हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्लांट की केयर कर रहे होंगे। और मैं आज आपको कैना लिली के बारे में बताऊंगी, जो मैंने अभी जल्दी से प्लांट बाय किया है। और ये कैना लिली बहुत अच्छा प्लांट है, इसे मार्च अप्रैल में आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। ये बीज से भी ग्रो हो जाता है और इसमें गर्मी में फूल आते हैं और जब बरसात होती है तब भी फूल आते हैं। और ये सन लविंग प्लांट है और इसको पूरा दिन भर की धूप तो ज़रूरी चाहिए। और इसकी मिट्टी जो होती है वो आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और रेत मिला के कीजिए, जिसमें पानी इसमें रुके नहीं। अगर पानी रुक जाएगा तो इसके बल्ब सारे सड़ सकते हैं। और अगर इसमें सड़न पैदा हो रही है या कीड़े फंगस लगते हैं तो आप साफ वाला पाउडर इसमें डाल सकते हैं और कीटनाशक या नीम फली भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैना लिली जो लिली होता है उसमें कई प्रजातियां पाई जाती हैं और लिली को हम लोग हिंदी में कुमुद या कुमुदिनी या कमलिनी कहते हैं। और लिली बहुत अच्छे से फ्लावर देते हैं, जिसमें सफ़ेद होते हैं, गुलाबी होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं और लाल भी होते हैं। तो बहुत अच्छा खूबसूरत आकर्षण वाला ये पौधा होता है। इसके फ्लावर्स बहुत ही मन को मोह देने वाले होते हैं। तो लिली आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और इसमें कई प्रजातियां होती हैं लिली की, इसमें वाइट लिली होती है, टाइगर लिली होती है, वाटर लिली होती है, टेलिन लिली होती है, एस्ट्रेटिक लिली होती है और क्रिनमन लिली होती है, ओरिएंटल लिली होती है, कैसा कास ब्लांका लिली होती है, कैलिफोर्निया लिली होती है, रेगल लिली होती है और कैलिडोनियन लिली होती है। ये सब लिली के प्रकार हैं, तो आप कोई भी इनमें से लिली लगा सकते हैं। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प होता है लिली। तो लिली में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, आप कोई भी एक प्रजाति अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये बहुत सन लविंग प्लांट होता है, इसको कड़ी धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसे आप रेगुलर पानी दीजिए। लेकिन पानी आपके गमले में रुकना नहीं चाहिए, इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, गमले में भी इजीली से इसको लगा सकते हैं। अगर इसको पानी में ज़्यादा हो गया है तो आप पानी चेक करते रहिए, जब भी ज़रूरत हो तभी पानी दीजिए। और पूरा फुल सन में रखिए, जिससे इसकी पत्तियां भी ज़्यादा चमकदार होंगी और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। और इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको फुल सनलाइट में रखिए, दिन की धूप में, और रेगुलर पानी दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि पानी आपका निकलता रहे, स्पॉट में जो पानी है आपका जमा ना हो। और इसकी मिट्टी जो होती है वो रेत मिली होनी चाहिए, इसमें पानी का बहाव ना रुके। और इसकी पत्तियां देखिए कितनी चमकदार होती हैं और देखने में बहुत सुंदर होती हैं। तो ये फूल के साथ साथ इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ये वाला प्लांट आप कुमुद, जिसे हिंदी में कुमुद बोलते हैं, ये वाला प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए चैनल नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। तो आप ये गार्डन में ज़रूर प्लांट ऐड करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपने गार्डन का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।